इवन ऑड फॉर्मूले को 1 जनवरी से दिल्ली में लागू करने की योजना बना रही सरकार से हजारों सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल इस योजना की व्यवहारिकता पर उठाए जा रहे हैं। सवाल ये किए जा रहे हैं कि सरकार ने 1 जनवरी से बनने वाले नए हालात के लिए क्या तैयारी की है। सवाल कई हैं, लेकिन सरकार के पास जवाब कम है। नई योजना के ऐलान के बाद से ही दिल्ली सरकार आलोचनाओं को झेल रही है। इसी बीच सरकार के कानों तक नई योजना को लेकर सराहना के कुछ शब्द पहुंचे। ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली सरकार के सम विषम नंबर की गाड़ियों से जुड़ी योजना से जजों को कोई दिक्कत नहीं है। लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही दिल्ली सरकार के लिए मुख्य न्यायाधीश के शब्द हौसला बढ़ाने वाले हैं, इसलिए सरकार की तरफ से भी चीफ जस्टिस की सोच की सराहना की गई। साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने जो सपोर्ट किया इसको, उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। उनका ये सपोर्ट हमारे लिए और पूरी दिल्ली सरकार के लिए और पूरे दिल्ली वासियों के लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है हम लोगों के लिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस कार पूलिंग करेंगे तो वो पूरे मतलब हजारों लाखों लोगों के लिए वो प्रेरणादायक होगा। सरकार की इस योजना को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा रहा है, अगर लोगों को परेशानी होगी तो इसे रोक दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बयान के बाद भले ही दिल्ली सरकार अपने फैसले को सही बता रही हो, लेकिन दिल्ली वालों के सवाल अब भी अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि सवाल योजना की अधूरी तैयारी को लेकर किए जा रहे हैं। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।